तो यार देखो, इस सीक्रेट ट्रिक का यूज करके मैंने क्लास कोड का न्यू सीजन स्टार्ट होते ही डायमंड से हीरोइक 21 स्टार लगा लिया। एंड मैंने इतना भी मैच नहीं खेला है, मैं जो भी मैच खेल रहा था लगातार जीत रहा था। एंड ये सब हो पाया सही एंड बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बो के वजह से। तो आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार बेस्ट कैरेक्टर के कॉम्बो बताने वाला हूँ, जिनमें से लास्ट वाले जो दो कॉम्बो है उसके बारे में ना के बराबर बंदों को पता है। एंड उसका यूज करके आप खतरनाक तरीके से गेम को जीत सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं आपका शक्ति भाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आप लोग यार फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल में अगर नए हो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम लोग बढ़ते हैं हमारा चार कॉम्बो में से पहला कॉम्बो की तरफ। हमारा पहला कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करने वाले हैं ओरियन कैरेक्टर। आई नो इसके स्किल एंड एबिलिटी के बारे में लगभग सारे बंदों को पता होगा। ये कैरेक्टर पूरी तरीके से इमॉर्टल है, आप इसको किसी भी तरीके से मार नहीं सकते, चाहे गोली मारो या फिर ग्रेनेड, इसका कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ओरियन को सही तरीके से यूज कर लेते हो, अब अकेले ही चार बंदों को लपेट सकते हो। इसके साथ हम लोग यूज करने वाले हैं एक ऐसा कैरेक्टर जो कि ओरियन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा, एंड वो कैरेक्टर का नाम है मिगुएल कैरेक्टर। इसका काम ये है, आप जब भी कोई किल करोगे ये आपको 200 ईपी देता है, जिससे आप लगातार बार बार ओरियन को यूज कर सकते हो। ओके, इस कॉम्बो में हम लोग जो थर्ड कैरेक्टर यूज करने वाले हैं, जो कि आपका नॉर्मल किसी भी गन को ईवो गन स्किन में बदल सकता है, यकीन नहीं हो रहा है ना, मतलब आपका गन का रेट ऑफ फायर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, से इजीली आपका हेडशॉट कनेक्ट होगा। एंड वो कैरेक्टर है लूना कैरेक्टर। देखो, ये दोनों ही क्लिप में मेरे पास यूएमपी का गन स्किन नहीं है, लेफ्ट साइड पर कोई भी कैरेक्टर स्किल यूज नहीं हुआ है, बट राइट साइड पर लूना कैरेक्टर है। अभी देखो, लूना को लगाने के वजह से यूएमपी का रेट ऑफ फायर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। एंड यार ऑब्वियस बात है, अगर आपका गन का रेट ऑफ फायर ज्यादा होगा उससे ज्यादा हेडशॉट आपका लगता है। एंड इस कॉम्बो में हम लोग जो लास्ट कैरेक्टर रखेंगे, बेसिकली मैंने दो कैरेक्टर रखा है, आप चाहे तो फॉर्ड कैरेक्टर को रख सकते हो, जिससे आप डैमेज खाने पर फॉर्ड आपको 3 सेकंड में 30 एचपी देता है, जिससे आपको एचपी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपको फॉर्ड यूज नहीं करना है तो उसके जगह पर आपको यूज करना है सोनिया कैरेक्टर। आई होप आपको सोनिया के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, अभी लगभग सारे के सारे बंदे सोनिया को यूज कर लेते हैं। ये कैरेक्टर आप मर जाने के बाद आपको फिर से जिंदा होने का 3 सेकंड का टाइम देता है, उसी टाइम के अंदर कोई भी बंदे को मार दो, आप दोबारा जिंदा हो सकते हो। जो बंदे ओरियन को यूज करके खेलते हो, ये कॉम्बो को एक बार जरूर यूज करके देखना। अभी रुको, लास्ट में जो दो कॉम्बो है एकदम खतरनाक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड कॉम्बो की तरफ। इसमें हम लोग एक्टिव और प्राइमरी कैरेक्टर में यूज करेंगे दिमित्री। अभी दिमित्री एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जो कि सीएस रैंक में सबसे ज्यादा यूज होने लगा है। बट दिमित्री के साथ में आप किन किन कैरेक्टर्स को यूज करते हो वो आपको दूसरों से अलग बनाता है। नहीं तो यार सभी बंदे दिमित्री यूज कर रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं है दिमित्री के साथ किन किन कैरेक्टर्स को लगाने से ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, इस कॉम्बो में ऑब्वियस दिमित्री हमारा पहला कैरेक्टर रहेगा, जिसका एबिलिटी को अगर हम लोग शॉर्टली बताएं, ये कैरेक्टर आपको एचपी देने के साथ साथ आपको ऑटो रिवाइव कर सकता है, एंड उसके साथ साथ आपके टीममेट को भी एचपी देता है, एंड इसका स्किल से आपका टीममेट को भी रिवाइव आप कर सकते हो। एंड इस कॉम्बो में सेकंड कैरेक्टर हमें रखना है सोनिया, जिसके मदद से यार आप बहुत सारे सिचुएशन में बच सकते हो। सपोज आपको कोई बंदा मार दिया तो सोनिया के मदद से आपको एक्स्ट्रा 3 सेकंड का टाइम मिलता है, आइदर आप बंदे को मार कर बच जाओ, नहीं तो कोई सेफ जगह पर चले जाओ एंड दिमित्री यूज करके अपने आप को बचा लो। एंड इस कॉम्बो में हमारा थर्ड कैरेक्टर हमें रखना है थीवा कैरेक्टर। देखो यार, मैं आपको हमेशा ये रेकमेंड करूंगा, अगर आप दिमित्री के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसमें थीवा कैरेक्टर को आपको ऑलवेज रखना है, क्योंकि दिमित्री एंड थीवा का कॉम्बो से आप गेम को पूरी तरीके से पलट सकते हो। थीवा को यूज करने से अगर आप किसी बंदे को रिवाइव करोगे, चाहे खुद रिवाइव करो या फिर दिमित्री लगाकर रिवाइव करो, आपका टीममेट पलक झपकते ही रिवाइव हो जाता है, एंड उसको रिवाइव होने के बाद 60 एचपी भी मिल जाता है। एंड खास करके अगर आप क्लास कोड अपने दोस्तों के साथ खेलते हो तो आपके टीम में दो या फिर एक दिमित्री प्लेयर होनी चाहिए, जिसके पास थीवा कैरेक्टर भी होनी चाहिए। एंड आपको बता दूं, खास करके इसी कॉम्बो को यूज करके बंदे ग्रैंड मास्टर जाते हैं। नेक्स्ट, हमारा कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है एंटोनियो कैरेक्टर। इसका एबिलिटी रिसेंट अपडेट में चेंज हुआ था, अभी ये कैरेक्टर आपको 40 शील्ड पॉइंट देता है। मतलब ये मान लो, अगर कोई बंदा आपको मारेगा, पहले आपके 40 पॉइंट खत्म होगा, देन जाकर आपको डैमेज पड़ेगा। एंड इस कॉम्बो को मैं भी पर्सनली यूज करता रहता हूँ। सो दिमित्री प्लेयर्स, ये कॉम्बो आपके लिए बेस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा थर्ड एंड
एंड फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बो की तरफ जो कि अपने आप में खतरनाक है। ओके, इस कॉम्बो में हम लोग पहला एंड एक्टिव कैरेक्टर यूज करेंगे आयरिस। उससे पहले कि मैं आपको इसके स्किल के बारे में बताऊं, ये देख लो, यहाँ पर देखो मैं ग्लूअल के अंदर से बाहर वाले एनिमी को मार सकता हूँ, पर वो बंदा मुझे नहीं मार सकता। अभी देखो मैं किसी भी गन से ग्लूअल के पीछे छुपने वाले एनिमी को भी मार सकता हूँ। अरे कोई भी हैक यूज नहीं किया मैंने। ये सब चीज पॉसिबल हो सकता है अगर आप आयरिस कैरेक्टर को यूज करोगे। देखो यार, ऐसे बहुत बार हमारे सामने सिचुएशन आता है जहाँ पर एनिमी हमारे सामने ग्लू के सर्कल बनाकर उसके अंदर छुप जाता है। अगर उस टाइम आपके पास आयरिस कैरेक्टर है देन आप बिना ग्लूअल को फोड़े बाहर से ही उसको निपटा सकते हो। अरे रुको, अभी तो शुरुआत है। इस कॉम्बो का और भी बहुत सारे फायदा है, चलो देखते हैं। इस कॉम्बो में हमें सेकेंड कैरेक्टर रखना है, नायरी कैरेक्टर। ये कैरेक्टर का स्किल अपडेट के बाद नेक्स्ट लेवल बन चुका है। अगर आप नायरी को यूज करके ग्लूअल डालते हो देन उस ग्लूअल को फोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अरे कोई भी फोड़ ही नहीं सकता। एंड बाय, अगर एनी चांस कोई चुलबुला एनिमी आपके वॉल को फोड़ने का कोशिश करता है देन आपको HP मिलेगा। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाहे एनिमी आपके वॉल पर गोली चलाए या फिर आप खुद मारो, आपको एक ग्लूअल से 40 HP मिलेगा। यहाँ पे देखो, एक बंदा मुझे बहुत ज्यादा डैमेज देता है एंड मेरे ऊपर रस कर रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वॉल लगाकर खड़ा हो जाऊंगा एंड जैसे ही वो बंदा वॉल को फोड़ने का कोशिश करेगा, मुझे देखो कैसे HP मिल रहा है। अरे नायरी के वजह से HP मिल रहा है। एंड अभी ध्यान से देखो, उस बंदे के ऊपर एक टैग शो करेगा एंड यहाँ से मैं आराम से उस बंदे को वॉल के अंदर से मार दूंगा। एंड इस कॉम्बो को और ज्यादा खतरनाक बनाता है लूना कैरेक्टर। इस कॉम्बिनेशन में लूना को ऐड करने से आपका गन का रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा, जिससे आप धड़ाधड़ एनिमी को मार सकते हो। ओके, लास्ट में इस कॉम्बो में हमें फोर्थ कैरेक्टर यूज करना है, राफायल कैरेक्टर। पूछो क्यों? अरे क्योंकि आप इस कॉम्बिनेशन को यूज करके अच्छा खासा स्नाइपर भी चला सकते हो। एंड में भी हो सकता है अगर कोई बंदा ग्लूअल के पीछे छुपा हुआ है, आप कुछ इस तरीके से ग्लूअल के आर पार उसको मार सकते हो। नहीं तो अगर आपको स्नाइपर नहीं चलाना है देन आप राफायल के जगह में कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, मे बी सोनिया कैरेक्टर या फिर अगर आपको ग्रेनेड करना है देन एल्वारो कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बो की तरफ। देखो यार, अभी के टाइम पर एनिमी को जितना भी नॉक करो वो यार सोनिया कैरेक्टर या फिर दिमित्री कैरेक्टर लगाकर रिवाइव हो जाता है एंड हमें किल नहीं मिलता है। एंड कभी कभी तो ऐसा भी होता है पूरा स्क्वाड को खत्म करने के बाद भी फिर से दोबारा वो लोग जिंदा हो जाते हैं। बट अगर आप, मैं जो आगे आपको कॉम्बो बताऊंगा उसको यूज करोगे देन मैं आपको गारंटी देता हूँ क्लास कोड में आपका जीतने का चांस 100% बढ़ जाएगा। एंड इसी कॉम्बो का यूज करके मैंने 12 का स्ट्रिक अभी अभी लगाया था। इस कॉम्बो में हमें प्राइमरी और एक्टिव कैरेक्टर यूज करना है A124। ये अकेला एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सभी कैरेक्टर के ऊपर भारी पड़ सकता है। आप A124 को यूज करके एनिमी के पास जो भी स्किल है उस सभी को ब्लॉक कर सकते हो। ना ही एनिमी का ओरियन काम करेगा, ना ही दिमित्री काम करेगा, ना ही सोनिया उसको बचा पाएगा। ये कैरेक्टर के मदद से आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ सकते हो जो कि एनिमी पर लगने पर उसको 20 का डैमेज देगा एंड वहां पर 8 मीटर के अंदर जितने भी एनिमी होंगे उन सभी का स्किल को ब्लॉक कर देगा 30 सेकंड के लिए। भाई आधा मिनट बहुत टाइम होता है। एंड जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ोगे उस टाइम अगर एनिमी मेडकिट यूज कर रहा होगा या फिर किसी को रिवाइव कर रहा होगा, उसका रिवाइव करना एंड मेडकिट लगाना बंद हो जाएगा एंड एक कैरेक्टर कितना ओवर पावर है आपको पता चल गया होगा। एंड इस कॉम्बो में A124 के साथ आपको रखना है सेकंड में हयातो कैरेक्टर। कम ऑन यार, आपको हयातो का काम पता ही होगा। हयातो अपना HP थोड़ा सा कम होने पर अपने ऊपर सामने से पड़ने वाला डैमेज को कम कर देता है एंड एनिमी का आर्मर पेनिट्रेट करके उसको ज्यादा डैमेज दे सकता है। मतलब आपने A124 कैरेक्टर मार के एनिमी का स्किल को ब्लॉक कर दिया एंड हयातो के मदद से उनके ऊपर रस करके उनको निपटा सकते हो। एंड इस कॉम्बो में हमें थर्ड कैरेक्टर रखना है, सोनिया कैरेक्टर। पूछो क्यों? अरे पूछो ना, छोड़ो मैं नहीं बताने वाला। को पैसा बर्बाद। एंड लास्ट में इस कॉम्बो में हमें फोर्थ कैरेक्टर रखना है, जस्टिन बीबर कैरेक्टर। ये कैरेक्टर आपको एनिमी के डैमेज से बचा सकता है। अगर आप जस्टिन बीबर कैरेक्टर लेकर खेलोगे, बंदा अगर आपको मारेगा तो नॉर्मल डैमेज से आपको 12% कम डैमेज पड़ता है। यार 12% एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड मजे की बात क्या है पता है, मैंने बातों बातों में आपको एक फुल स्क्वाड का कॉम्बिनेशन बता दिया। नहीं समझे ना? आप चाहो तो मैंने आपको जो जो कैरेक्टर कॉम्बो बताया उसमें से एक एक कॉम्बिनेशन यूज करके एक 4 बंदों का स्क्वाड बनाकर खेल सकते हो एंड क्लास कोड में सामने वाला एनिमी टीम का फट के हाथ में आ जाएगा। अरे ग्रेनेड की बात कर रहा हूँ, यू नॉटी बॉय। तो यार ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है कमेंट कर देना एंड कमेंट में ये बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। एंड क्लास कोड की और टिप्स के लिए आप यार लेफ्ट या फिर राइट वाली वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज बताया है जो कि यार डेफिनेटली आपके काम में आने वाला है।